हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपना फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट कैसे कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम तर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए फ्रेंड, आप लोगों को सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक में सबसे पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट लॉगिन करके रखना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप लोगों ने इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है, इधर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने इधर से सेटिंग में चला जाना है। जैसे आप लोग इधर सेटिंग में जाएंगे, आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आ जाना है, अभी भी ओनरशिप एंड कंट्रोल लिखा हुआ है, इधर आप लोगों ने क्लिक करना है। इधर आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है और इधर से आप लोग डीएक्टिवेशन एंड डिलीट ये लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है सिंपल। और इधर से आप लोगों ने डिलीट अकाउंट पे कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे इधर से आप लोगों ने कोई एक रीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे कर देना है। इधर से और इधर से अकाउंट डिलीटेशन पे क्लिक कर देना है। इधर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। इधर से आप लोगों ने डिलीट कर देना है इसको। और इधर अपना पासवर्ड भी दे देना है। मैं इसका पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है और अगेन से कंफर्म अकाउंट डिलीट पे क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है। आप लोग देख